एक औरत की बॉडी में कितने छेद होते हैं। बहुत से ऐसे लड़के हैं जिनको एक्चुअली सेक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है या फैमिली ने भी एडुकेशन नहीं दिया है, तो बहुत बार ऐसे कॉल्स हैं या ऐसे कंसल्टेशन है जिसमें पूछा जाता है मैम फीमेल की बॉडी में कितने छेद होते हैं, कहाँ पर डालूँ, कहाँ पर सेक्स करूँ, कहाँ उसे प्लेजर आएगा, कहीं मैं गलत तो नहीं डाल दूंगा, बेबी कहाँ डालने से होगा, तो बहुत से मेल्स को नहीं पता है। तो आशा करती हूँ ये जो आज मैं वीडियो बना रही हूँ, थोड़ा बोल्ड वीडियो है लेकिन मैं बना इसलिए रही हूँ ताकि ऐसे एग्जैक्टली आपको पता चले शादी के बाद की डालना कहाँ है, अंधेरे में भी डालना पड़ सकता है, तो यू हैव टू नो वेयर एग्जैक्टली सेक्स हैपेंस, इंटरकोर्स कहाँ करना होता है। हाई, आई एम डॉक्टर नेहा मेहता, मैं एक सेक्स काउंसलर हूँ और पिछले काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। अपनी हर वीडियो के माध्यम से मेरी कोशिश है सेक्स, जेंडर आइडेंटिटी से रिलेटेड जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, जो आपको नहीं समझ में आता है, उसके बारे में खुल के बात कर सकूँ, जो पेरेंट्स यूजली नहीं बताते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और अपने फ्रेंड्स को भेजें, अपने पार्टनर को दिखाएं, एंड लेट्स सी हाउ मेनी होल्स आर देयर इन फीमेल बॉडी। अब मैं बात करूँ एक औरत की बॉडी में कितने छेद होते हैं, तो एक औरत की बॉडी में आम तौर पर 3 छेद होते हैं। एक्सैक्ट वजाइनल एरियाज़ की बात कर रही हूँ मैं, उनके नीचे के एरियाज़ की बात कर रही हूँ, थाइस के बीच के एरियाज़ की बात कर रही हूँ। वैसे तो छेद आपके नाक में भी हैं और कान में भी हैं, लेकिन लोअर एरियाज़ की अगर मैं बात करूँ तो 3 प्रोमिनेंट होल्स होते हैं वुमेन की बॉडी में। द फर्स्ट होल विच इज़ वेरी 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 स्मॉल, जो कि आपका यूरिनरी होल है, वो इतना छोटा होता है कि उसके अंदर पिन भी इंसर्ट करना मुश्किल है। वो सिर्फ यूरिन के फ्लो के लिए है फीमेल में, और वो जो उसके 2 लिप्स हैं, अगर मैं इसको ऐसे बनाने की कोशिश करूं, ये 2 लिप्स हैं, यहाँ पे इनका टमी पार्ट शुरू हो जाता है, इन दोनों लिप्स के बीच का एक एरिया है, यहाँ पर कहीं एक यूरिनरी होल है जहाँ से वो यूरिन को पास करती हैं। इस लिप्स के बिल्कुल नीचे एक होल है जिसे हम वजाइनल होल कहते हैं, जिसे आप योनि द्वार कहते हैं। इस होल में अगर आप अपने पेनिस को इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पर आप सेक्स करेंगे, यहाँ पर आप इंसर्ट करेंगे तो सेक्स करेंगे, और यहाँ पर से ही बच्चा आपका बाहर आएगा। थोड़ा सा अगर हम और नीचे या पीछे की तरफ चले जाएं तो एक एनल होल है जिसे हम पॉटी का द्वार कहते हैं या मल द्वार कहते हैं, जिसे हम एनल सेक्स या हम गुदा मैथुन करना चाहते हैं तब हम इस होल का उपयोग करेंगे। अदरवाइज एक फीमेल की बॉडी में सेक्स करने के लिए सिर्फ एक ही होल है जिसे हम वजाइनल होल कहते हैं। ये दोनों लेबिया माइनोरा मेजोरा, मतलब लेडी के जो लिप्स हैं उसके बिल्कुल नीचे की तरफ होता है, और यहीं से ही बच्चा बाहर की तरफ आता है। ये होल्स यूजली फीमेल को सेक्स की एक्टिविटी और प्लेजर के लिए होते हैं, फीमेल मास्टरबेट करना चाहती है तो फिंगर इंसर्शन के लिए है, और साथ साथ बच्चा बाहर इस होल के द्वारा आता है। ये आपको जानना ज़रूरी है, फीमेल एनाटॉमी का पार्ट है, जो कि एक हस्बैंड वाइफ की बॉन्डिंग या आपके वाइफ की बॉडी की जानकारी आपको होनी चाहिए, ताकि अगर आप अंधेरे में भी कर रहे हैं, लाइट में भी कर रहे हैं, तो आपको पता तो हो कि कहाँ पर फिंगर इंसर्ट करना है। कई मेल्स एनल सेक्स भी करते हैं जहाँ पर वो पॉटी वाले एरिया पे या मल द्वार में भी गुदा मैथुन करना चाहते हैं, दैट इज़ ऑल्सो देयर चॉइस। तो ये 2 होल्स हैं जहाँ पर आप एक्चुअली सेक्स इंजॉय कर सकते हैं। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके डाउट्स को क्लियर कर पाई है। बहुत जल्दी एक और वीडियो लेकर हाजिर होंगी और फिर बताऊंगी कि जी स्पॉट क्या होता है। इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।